कि मैं सोनिया गांधी के नजदीक हूं। अगर सोनिया गांधी के नजदीक तो है, परंतु आपने किया क्या है आप वो तो बताएं। आपने जो आवास योजना थी कितने मकान बना करके दिए देश के लोगों को बताएं। हम बड़े फक्र के साथ इन 10 वर्षों के अंदर बसा सकते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके गरीब व्यक्ति को चाबियां सौंपने का काम मैं एक और बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। एक और बात है, महिलाओं को सशक्त किया है। इनके समय के अंदर मात्र 500-600 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, 55 सालों में 60 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर वो 60 लाख हो गए हैं। आज महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ। अंतर उसके अंदर टिकट की बात कर रहे हैं, उधर दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं हमारी टिकट डिक्लेयर होगी तो धमाका होगा। फिर वो धमाका कैसा होगा वो देख लेंगे, क्या धमाका होगा। धमाका तो पिछले 2019 के चुनाव में भी हुआ था, जब बापू बेटा दोनों रह गए थे तब भी तो धमाका हुआ था। अभी हालत खराब होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की लगातार डिमांड बढ़ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो राजस्थान हो, तो ऐसा आप में क्या है जो लगातार दौरे चल रहे हैं आपके दूसरे प्रदेशों में? नहीं देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक पिछड़े को आगे बढ़ाने का काम किया है और पिछड़ों को भी कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम इसी सरकार ने किया, कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। कांग्रेस ने तो पिछड़ों का वोट लेने का काम किया, आज पिछड़ों को जो सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। एक बड़ा अंतर देखने को मिला। मुख्यमंत्री का मंडी में उफान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उठान नहीं हो रहा। दुष्यंत चौटाला कह रहा है मंडियों में धान बिक रहा, सरसों नहीं बिक रही। धान गेहूं और सरसों, धान भी बिक रही है उसको ध्यान में होना चाहिए, सरसों भी बिक रही है और उठान भी बड़ी गति से हो रहा है। पिछला अगर हम देखें पिछले वर्ष का उठान जो आज की टिल डेट आज की है, उससे मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अंतर उठान के अंदर है। पिछले वर्ष के अंदर जो आज की तारीख तक हमने उठान किया था और आज जितना उठान हुआ है उसके अंदर एक बड़ा अंतर है दिखाई। एक आखिरी सवाल, कल तक आप गठबंधन में थे, आज दोनों आपस में इतनी बयानबाजी हो रही है, मतलब? नहीं, ये उनकी तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से नहीं हो रही, ये उनकी तरफ से हो रही है और उनके परिवार से भी हो रही है। ये खाली मैं हम नहीं बोल रहे हैं, उनके परिवार से भी हो रही है। उनके परिवार के जो सदस्य थे, जो उनके विधायक थे, वो भी उसी को ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार के लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब परिवार के लोग भी आरोप लगाते हैं या उनके स्वयं के विधायक आरोप लगाते हैं, फिर बात चिंताजनक। कार्रवाई होगी, कार्रवाई, जय सत्य, कार्रवाई।